दोस्तों 18 जुलाई का दिन हो और हम नेल्सन मंडेला को याद ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके कुछ स्टेटमेंट आप देखिए। जीवन में कभी न गिरना जीवन की सुंदरता नहीं है, बल्कि गिर करके उठना और अपने सपनों को हासिल करना जिंदगी की खूबसूरती है। ये उन दिनों की बात है 18 जुलाई को, जब नेल्सन मंडेला जी का जन्म होता है। उसी के साथ में इनके संघर्षों का दौर स्टार्ट हो जाता है। इनका परिवार और 12 वर्ष की उम्र में इनकी माता जी का देहांत हो जाता है और आगे चल करके दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति, ये केवल हमको दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं देखने को मिलती है, बल्कि व्यापक स्तर पर इसको देखें तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अलग अलग समस्याएं देखने को हमें मिल रही थी। जैसे कहीं पर जाति वर्ग का भेदभाव था, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव था, तो कहीं रंग भेद को लेकर के ये समस्याएं चलती चली आ रही थी। यही समस्या हमको दक्षिण अफ्रीका में वहां की सरकार के द्वारा देखने को मिलता है। नेल्सन मंडेला जी आगे चल करके किस तरीके से वहां पे संघर्ष करते हैं, आइए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इस दिन का जो महत्व है, ये इस बात का जश्न मनाने का प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दुनिया को बदलने की शक्ति है, एक प्रभाव बनाने की क्षमता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को बेहतरी के लिए, दुनिया को बदलने में मदद करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। नेल्सन मंडेला जी के जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगर इनके जीवन काल की चर्चा करें तो 18 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला जी का जन्म होता है और वहीं पर स्वर्गवास 5 दिसंबर 2013 में होता है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति भी नेल्सन मंडेला जी रह चुके। अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे रंगभेद का विरोध करने वाले वे थे। इसी के कारण उनको 27 वर्ष तक, जी हां 27 ईयर्स तक उन्होंने रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए थे। 27 साल कारागार में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई होती है। रिहाई के बाद में समझौता होता है और शांति की नीति के द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी थी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव होता है और उसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि इनकी पार्टी थी, 62% मत प्राप्त करके बहुमत के साथ जीत जाती है और यही सरकार बनाती है। दक्षिण अफ्रीका एवं पूरे विश्व में रंगभेद का विरोध करने वाले प्रतीक के तौर पर नेशनल मंडेला को याद किया जाता है। 18 जुलाई 2010 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। नेशनल मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता था। दुनिया भर में शांति के दूत के रूप में प्रसिद्ध नेशनल मंडेला का रंग भेद के खिलाफ लड़ाई में योगदान कोई भी भुला नहीं सकता है। मंडेला जी गांधी जी की तरह ही अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे। आइए अब इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोग व्यापक रूप से राष्ट्रपिता के तौर पर नेशनल मंडेला जी को मानते थे। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता था। राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भी देखा जाता था। 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित
एक सेंटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर जहां पर मंडेला जी की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदल करके नेशनल नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया था। नेल्सन मंडेला स्क्वायर। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उनको मदीबा कहकर के बुलाया जाता था। मदीबा उनको कहा जाता था जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक वर्ड होता था। मंडेला को लगभग 250 से ज्यादा पुरस्कार विभिन्न देशों और संस्थाओं के द्वारा प्रदान किया गया था। उसमें से कुछ पुरस्कार 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लाउ के साथ संयुक्त रूप से उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ लेनिन, भारत रत्न, निशान ए पाकिस्तान। 23 जुलाई 2008 को गांधी शांति पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। तो यह था नेल्सन मंडेला जी का पुरस्कार एवं सम्मान। उनकी बातों को हम उनके कोटेशन के साथ में ही समाप्त करते हैं। उनका एक कोटेशन जो कि एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। दोस्तों, ये थी नेल्सन मंडेला जी की छोटी सी स्टोरी। धन्यवाद।